जैसा कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और हर जगह पर सर्दियों के मौसम के फलों की दुकानें और जगह जगह पर रेहड़ियां फलों से भर गई हैं, और आपने अक्सर जगह जगह पर अनार देखना भी शुरू कर दिए होंगे। अनार जन्नत के फलों में से एक फल है और पूरी दुनिया में कदीम तरीन फलों में इसका नाम शुमार किया जाता है, और साथ ही साथ इसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। अगर आप भी अनार खाने या फिर इसका जूस पीने के शौकीन हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अनार का जूस सुबह निहार मुंह पीने के 5 जबरदस्त फायदे बताने लगा हूं, जो शायद ही आपको पहले मालूम होंगे। फवाइद बताने से पहले आपसे गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ ही घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। फायदा नंबर एक ये है, अनार में एंटीऑक्सीडेंट सबस चाय की बनिस्बत ज्यादा पाया जाता है। अगर आप रोजाना इसका जूस निहार मुंह या फिर खाने के दरमियान इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आप एक लंबे अरसे तक जवान और तंदुरुस्त रहेंगे। फायदा नंबर दो ये है, अनार में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे मोटापे को तेजी से खत्म कर सकते हैं। अगर आप रोजाना इसका जूस निहार मुंह इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मोटापे जैसी बीमारी से जल्द ही निजात मिल जाएगी। फायदा नंबर तीन ये है, अनार का जूस जहनी तनाव को दूर करता है। जो लोग अक्सर जहनी दबाव की वजह से परेशान रहते हैं, वो अनार का जूस निहार मुंह इस्तेमाल करें, जहनी तनाव में जल्द ही कमी आने लगेगी। फायदा नंबर चार ये है, अनार का जूस हमारे जिस्म में खून की कमी को बहुत ही तेजी से दूर करता है। रोजाना इसका जूस निहार मुंह या फिर खाने के दरमियान में पिए, खून की कमी दूर हो जाएगी। और फायदा नंबर पांच ये है, अनार का जूस ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में बेहद मुफीद है। रोजाना अनार का जूस निहार मुंह या फिर खाने के दरमियान में इस्तेमाल करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा। अगर ब्लड प्रेशर लो हो तो थोड़ा सा नमक मिलाकर इस्तेमाल करें। ये थे आज के चंद फवाइद। वैसे तो अनार के बेशुमार फवाइद हैं जो आपको तरह तरह की बीमारियों से बचाते हैं और कई बीमारियों में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसको अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दें। साथ ही मेरी वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह नेहबान।